कहते हैं शनिदेव की तिरछी नजर जिस पर पड़े उसके तो वारे न्यारे होने ही हैं। शनिदेव एक ऐसे ही देव हैं जो इंसान की जिंदगी में हमेशा खुशियां भरते हैं। हालांकि ज्योतिष में शनि की दृष्टि को विच्छेद कारक कहा जाता है, यानी जिस घर पर उनकी दृष्टि पड़ती है वो उस घर से जुड़े सुखों का जीवन में अभाव रहता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह खुद उनकी पत्नी का श्राप है। इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार शनिदेव के व्यसक होने पर पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करा दिया, लेकिन शनिदेव तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए वो उनकी भक्ति में ही लीन रहते थे और उनकी पत्नी भी साध्वी वे ईश्वर की आराधना में रहती थी। एक बार पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास गई, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में डूबे थे। उनके लाख प्रयास के बावजूद शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा और उनकी पत्नी के प्रयास व्यर्थ चले गए। इससे शुभ्ध होकर पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि वो अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो उनकी दृष्टि विच्छेद कारक हो जाएगी, यानी वो जहाँ देखेंगे वहाँ विनाश जरूर होगा। ध्यान टूटने के बाद शनि ने अपनी पत्नी को मनाया, जिससे उन्हें भी काफी पश्चाताप हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। शनि तो पहले से ही अंतर्मुखी थे और उसके बाद वो अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि उनकी कहीं पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं विच्छेद अवश्य होगा। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि कुंडली में शनि की दृष्टि से जिस भाव पर पड़ती है उससे जुड़े सुख जातक के जीवन में कम हो जाता है।